कैश फॉर क्वेरी विवाद के मामले में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा ने संसदीय जानकारी साझा करके नीतियों का उल्लंघन किया है। 2014 में जारी भारत सरकार की ईमेल नीति में कहा गया कि एक उपयोगकर्ता किसी भी डेटा ईमेल के लिए जिम्मेदार है जो भारत सरकार के ईमेल सिस्टम का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है। कहा गया कि पासवर्ड साझा करना निषिद्ध है। मेल सर्वर के माध्यम से भेजे गए सभी ईमेल डेटा खाते के मालिक उपयोगकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी है। मामले पर हीरा नंदानी ने एक हस्ताक्षरित हलफनामे में कहा कि संसद लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करने के बदले में उन्होंने मोइत्रा को महंगी विलासिता की वस्तुएं उपहार में दी, उनके आधिकारिक बंगले के नवीनीकरण की हामी और उनकी ओर से सवाल भी पोस्ट किए गए। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सांसद को सद्भावना देने वाले लोगों के लिए मेल आईडी पोर्टल इंटरनेट के लिए भारत सरकार की नीति 2014 स्पष्ट रूप से कहती है कि अपना पासवर्ड किसी से साझा नहीं कर सकते। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार पासवर्ड नीति में उल्लेख किया गया है कि उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ता आईडी के साथ की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे। उपयोगकर्ता दूसरों को अपनी उपयोगकर्ता आईडी के साथ कोई गतिविधि या अन्य उपयोगकर्ता की आईडी के साथ कोई गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। अधिकारी ने कहा कि नीति सांसदों को सलाह देती है कि वो अपने लॉगिन विवरण अपने कर्मचारियों के साथ साझा न करें। देखने वाली बात यह होगी बयानबाजी का दौर कब तक होता है।